जय हिंद गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट स्टडीज़ में हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर जो डिस्कशन किया जा रहा था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 2.2 वो पूरी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर अपनी नई एक्सरसाइज शुरू करते हैं जिसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे और उसके बाद कुछ इधर उधर के क्वेश्चंस लेकर इस टॉपिक को कंप्लीट कर दिया जाएगा। सो गाइस, बिना देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। सो गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं, अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं जल्दी से, ताकि एक्सरसाइज भी जल्दी से कंप्लीट हो जाए और हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कर सकें। तो देखिए गाइस, ये है मिसलेनियस एक्सरसाइज जिसमें हमें हर टाइप के क्वेश्चंस, मिसलेनियस का मतलब होता है अभी तक जितना पढ़ाया गया है अब वो हर टाइप का इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ओके, सो देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए और इस पोर्शन के अंदर केवल दो क्वेश्चंस दिए गए थे। हमने वो दोनों क्वेश्चन आपको इसलिए बता दिए क्योंकि थोड़ा सा इनमें कन्फ्यूजन चलता आ जाता है। तो देखिए इधर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 13π/6 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया है कि अंदर में कॉस है और बाहर में कॉस इनवर्स है, अंदर में कॉस है बाहर में कॉस इनवर्स है, तो दोनों हटकर 13π/6 दे देंगे। ऐसा केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है कोसाइन का, ये कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में लाई करना चाहिए जब ये मुख्यमान शाखा में हो। मुख्यमान शाखा कॉस इनवर्स की कितनी होती है? क्लोज्ड इंटरवल 0 से π, क्लोज्ड इंटरवल 0 से π। अगर इसके बीच ये मान आ रहा है तब तो आप इन दोनों को हटा सकते हैं, वरना नहीं हटा सकते हैं। फिर तो आप दिमाग लगाइए, गणित लगाइए, कुछ भी कीजिए और इसको सबसे पहले 0 से π के बीच लाइए और उसके बाद हटा दीजिए। बस इस क्वेश्चन में यही किया जाता है, इन टाइप के क्वेश्चंस में यही किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले तुम समझता है कि 13π/6 है क्या, तो हमने लिखा है 390 डिग्री। अब ये तो रेडियन में था, ये डिग्री में चेंज हो गया, क्लास 11th में आपने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। कुछ नहीं करना है, इसे 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देना है, सॉल्व कर लेना है, 390 डिग्री आ जाएगा। हमने इसे डिग्री में बदला तो देखा 390 डिग्री आ गया। अब हमें पता चला कि यार ये तो 390 डिग्री है और कॉस इनवर्स की ये जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है वो तो क्लोज इंटरवल 0 से π, का मतलब 180 डिग्री, ये 0 से 180 डिग्री के बीच ये वाली वैल्यू आनी चाहिए थी, लेकिन ये तो भैया 390 बहुत ज़्यादा निकल गई, यानी कि इसको हमें 0 से 180 के बीच लाना है और जैसे ही आ जाएगी हम इन दोनों को हटाने के काबिल हो जाएंगे। बस यही काम किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 13π को हमने 12π+π लिख दिया है ना, डिनोमिनेटर तो स्प्लिट हो ही जाता है, समझ गए ना। तो यहाँ पर अब इसे सॉल्व करेंगे, 6 से 12 को डिवाइड कर देंगे, ये आपके सामने आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि कॉस 2π+θ क्या दे देता है आपको, कॉस थीटा दे देता है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाया भी गया है। 2π का मतलब, ठीक है, 2π+θ प्रथम चतुर्थांश में पहुँच जाएगा, 360+θ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, सो अब देखिए ये जो पाई बाय सिक्स मिला इसे हल करने के बाद, ये तो भैया 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री के 0 से 180 के बीच नहीं आता, बिल्कुल आता है, और जब आता है तो क्या हुआ, हम इन दोनों को हटा सकते हैं। अब बात आप समझ गए, कुछ नहीं करना होता है, इस वाली वैल्यू को काट पीट कर, अदल बदल कर, जोड़ घटा कर, कुछ भी करके इसके ये जो है कॉस इनवर्स इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में लाना होता है, एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड योर आंसर एज आई हैव फाउंड हियर। सो आपने इसे देख लिया, अब आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि टैन इनवर्स टैन ऑफ 7π/6। अच्छा, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले समझते हैं कि है क्या, इन दोनों को हम हटाने के काबिल कब होंगे, जब ये वाली चीज़ है वो टैन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो कि ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच आ जाए, यानी कि ओपन इंटरवल -90 से +90 के बीच आ जाए, कौन, ये वाली वैल्यू। लेकिन देखें तो ये वैल्यू है क्या, ये वैल्यू है 210 डिग्री के आसपास, ये वैल्यू है 210 डिग्री के आसपास, तो क्या हम इसे हटा सकते हैं? नहीं, क्योंकि टैन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज हमें अलाउ करता है -π/2 से +π/2, यानी -90 से +90 डिग्री। आप बात समझ रहे हैं हमारी, तो -90 से +90 के बीच जब आ जाए, ये तो भी 210 से 90 के बहुत ऊपर निकल गया, अब इसे भी हम काट पीट कर कुछ भी करके ले आएंगे,
इसके बीच, ओके इसके बीच। तो देखिए हमने क्या किया, इसमें भी हम इसे 7π को हम 6π + π लिख सकते हैं। देखिए मैं लिखा हुआ इसे डिनोमिनेटर दोनों में चला जाता है। इसे स्प्लिट करना आप बहुत अच्छे जानते हैं, स्प्लिट करना मतलब तोड़ना, दो भागों में विभाजित करना, ओके। तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई, पाई प्लस कितना दे देगा, पाई बाय 6। अब हम जानते हैं कि tan π + π/6, टेन पाई प्लस थीटा, पाई मतलब tan 180 प्लस थीटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश, आपको क्या मिलेगा इसका वैल्यू, टेन पाई प्लस थीटा क्या दे देता है, टेन थीटा दे देता है, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ही पॉजिटिव होता है, ओके। तो आपको क्या मिल गया, टेन पाई प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू टेन पाई बाय 6। अब ये वाली जो वैल्यू है पाई बाय 6, ये तो इसके बीच लाई कर रही, और जब लाई कर रही तो भैया हम इसे हटा सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ टेन को, और जब हटा दिया तो हमारे सामने पाई बाय 6 वैल्यू आंसर आ गया। ध्यान से देखिए पाई बाय 6 दोनों में सेम आंसर आ रहा है, इससे कोई इशू नहीं, ओके। सो गाइज इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इनमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा शायद, क्योंकि ये ज़्यादा डाउटफुल होते हैं, ओके। सो प्लीज़। सो गाइज वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। यू आर गिवेन हियर टू प्रूव दिस, हमें दिया गया है कि इसको प्रूफ कीजिए भाई, इसको प्रूफ कीजिए। तो चाहे आप राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड दिखा दीजिए, चाहे लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड दिखा दीजिए, बस प्रूफ हो जाए। तो गाइज हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है और राइट हैंड साइड दिखा दिया है, बस ये प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए कैसे हमने क्या किया है, ये हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखा, इक्वल का साइन लगाया, लेफ्ट हैंड साइड नोट किया, यही का यही रूल होता है। उसके बाद 2 sin inverse x का फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज कर दिया, ठीक है। साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 - x², ये फॉर्मूला होता है 2 sin inverse x का, ओके ठीक है। तो एक बात आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, हमने इधर लिख दिया है ऑलरेडी कि इस क्वेश्चन में क्या क्या फॉर्मूले यूज होंगे, तो ये 2 फॉर्मूले यहाँ पर यूज होंगे, शायद आप लोग भूल गए हो इसलिए हमने पहले ही लिख दिया है। अगर आपके में नहीं लिखे हैं, आपने नोट नहीं बनाए हैं या नहीं बना पाए हैं तो आप इन्हें नोट कर लीजिए, अभी इन दोनों का यहाँ पर यूज लगने वाला है, ओके। तो यहाँ पर 2 sin inverse x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 - x² वाले फॉर्मूले से हमने इसे खोल दिया, इसे मतलब इसमें कन्वर्ट कर लिया। तो 2 × x की जगह पर 3/5 रूट ऑफ 1 - x², यानी 3/5 का स्क्वायर। अब अंदर वाले को हमने सॉल्व कर लिया, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आ जाएगा tan inverse 24/25। अब ये तो लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, हमें किस में ले जाना है, टेन इनवर्स में। तो साइन इनवर्स का टेन इनवर्स के साथ एक संबंध होता है, क्या होता है ये देखिए दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाय रूट ऑफ 1 - x², ठीक है। ये जो रिलेशन होता है उस रिलेशन की मदद से हम यहाँ पर इसे टेन इनवर्स में हमने चेंज कर दिया, टेन इनवर्स एक्स की जगह पर ये आ जाएगा, बटे में रूट ऑफ 1 - x² की जगह पर 24/25 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब अंदर वाले को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, हल करेंगे तो ऊपर तो 24/25 लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में सॉल्व होकर 7/25 आ जाएगा, बात समझ गए आप, ठीक। ये देखिए आ गया, अब ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, ये हम कई बार आपको बता चुके हैं कि जब बटे के ऊपर बटा और उसके नीचे भी बटा होता है तो इस कंडीशन में देखने में हमें 4 पद दिखाई पड़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा, पहले और चौथे का गुणा होकर, देखिए इधर पहले और ये पहला और चौथे का गुणा होकर अंश में रुक जाता है, और दूसरा ये रहा 25 और तीसरा ये रहा 7, उनका गुणा होकर डिनोमिनेटर में रुक जाता है। यहाँ से देखिए 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 24/7। अब बात समझ गए कि क्यों डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाते हैं, यस ये इस कारण से कैंसिल हो जाते हैं। तो आप इतनी बात समझ गए, तो यहाँ पर अब आप डिनोमिनेटर को कैंसिल करके आगे बढ़ेंगे तो टेन इनवर्स 24/7 मिल जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड है, सो इट इज़ प्रूव्ड। इसमें तो कुछ था ही नहीं, और प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है। तो गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये फॉर्मूले जो लिखे हुए हैं किनारे इन्हें ज़रूर नोट कर लीजिएगा। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं और देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं, उन फॉर्मूलों को हमने पहले ही यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया है ताकि आप उन्हें पहले समझ लें, और हो सकता है आप इन सूत्रों से पहले परिचित ना हो,
ठीक है, क्योंकि NCERT की बुक में सारे फॉर्मूले एक साथ नहीं दिए गए हैं, तो इसीलिए हमने शुरुआत में ही कहा था कि कुछ चीज़ें बाहर से बतानी पड़ेंगी। चलिए कोई बात नहीं, जो 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 चीज़ें हमारे सामने आती जा रही हैं हम वो चीज़ें आपको क्लियर करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हमारे हिसाब से ये दो फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। और ये दो फॉर्मूले फ्यूचर के लिए भी आप सिक्योर कर लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए ताकि आपको याद रह जाए। अच्छा, इन फॉर्मूलों का क्या मतलब है? साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों? यहाँ पर अगर प्लस है तो भैया यहाँ पर भी आप प्लस लगाएंगे, यहाँ अगर माइनस है तो आप यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे, इसका मतलब ये है। लेकिन नीचे वाले में देखेंगे कि ऊपर प्लस है उधर और इधर ऊपर माइनस है, इसका मतलब ये हुआ कि जब इस तरफ प्लस आएगा तो इस तरफ माइनस आएगा और जब इस तरफ माइनस आएगा तो इस तरफ प्लस आएगा। इन सूत्रों को याद रखना ना कोई बड़ी बात है और ना ही कठिन बात है। क्यों? क्योंकि ये सूत्र हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। देखिए, साइन ए प्लस बी हो तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी हो तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसा बन जाता है। और अगर कॉस ए प्लस बी हो तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, जो बोर्ड पर दिख रहा है। कॉस ए प्लस बी बोला है तो उधर माइनस आ जाएगा, और कॉस ए माइनस बी है तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कि इधर प्लस तो इधर माइनस, इधर माइनस तो इधर प्लस। ये फॉर्मूले हमने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले दो बने हुए हैं आपके सामने एक्चुअली इसी से प्रूफ होते हैं, ठीक है। तो इनको याद रखने में कोई कठिनाई ना हो इसके लिए हमने ये भी आपको बता दिया, ताकि आप आसानी से इन्हें रिलेट कर पाएँ और आप इन्हें याद कर पाएँ, ठीक है। तो इन फॉर्मूलों का यहाँ पर यूज़ होना है, तो ज़रा आप इन बातों का ध्यान रखिए और इन्हें ज़रा नोट कर लीजिए। आइए गाइस, इस वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, और इस पर बची हम चर्चा कंप्लीट कर लें और उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन अगले वीडियो में, ओके। तो देखिए, इसमें भी कह रहा है कि ये प्रूफ कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसा प्रूफ कीजिए। तो इसे भी हमने देखिए, आप अगर इसका सॉल्यूशन किसी बुक में ढूंढेंगे तो ऐसा नहीं दिया गया होगा, लेकिन ये हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि इसे सॉल्व कर पाए। तो आइए देखते हैं कि क्या इसमें किया गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हमने नोट कर लिया, फिर यहाँ पर हमने सोचा कि हमें तो भाई इधर साइन इनवर्स लाना है, तो हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया और हमने सोचा कि कॉस इनवर्स को क्यों ना साइन इनवर्स में बदल लिया जाए, तो बिल्कुल हमने बदल लिया। अब हम जानते हैं एक फार्मूला कहाँ पर लिख दें, देखिए इधर समझा रहे हैं, वो शायद वहाँ पर छूट गया लिखते समय। कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, आप जानते हैं ना ये फार्मूला आपको बताया गया है। तो यहाँ से अगर आप कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स आएगा, है ना, समझ गया पचहत्तर करके। तो कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स हमने लिख ली, समझ गया। अब ये वैसे ही नोट कर लिया, अब हम क्या करते हैं, ये माइनस को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो ये जो बीच में प्लस था ये किसमें बदल गया, माइनस। हमने देखा कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई वाला फार्मूला है तो बन रहा है, जो कि हमने अभी शुरुआत के इस क्वेश्चन को करने से पहले ही आपको समझा दिया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, यानी अंडर रूट वन माइनस इसका स्क्वायर माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी लगा हुआ है। अब इसे रोक लीजिए, थ्री बाई फाइव इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसका, समझ गया। जब आप इसे रोकेंगे तो अंडर रूट में वन माइनस इसका स्क्वायर होगा, और जब आप इसे रोकेंगे तो अंडर रूट में वन माइनस इसका स्क्वायर होगा। अब अंदर वाले को हमने खूब दिमाग लगाकर सॉल्व किया है, आप भी सॉल्व कर लीजिएगा, और हम यहाँ तक पहुँच गए सॉल्व करके। इसको हमने जब सॉल्व किया तो 48 माइनस 15 कितना दे देगा हमें, 33, ओके, ये देखिए 33 दिया हुआ है। तो हमें इतना मिला, फिर हम यहाँ पर वही फार्मूला यूज कर रहे हैं कि पाई बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स दिस, इसे हम कॉस इनवर्स दिस लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ यहाँ पर, तो पाई बाई टू, और ये जब उधर लेकर चले जाएंगे तो माइनस का
साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, यानी पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, यही देख लीजिए आप, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ये चूँकि क्लास ट्वेल्थ है ना, तो यहाँ पर ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है कि ये भाई डिनोमिनेटर में अब इसका एलसीएम लिया गया, इसका लासा लिया गया है, उसे गुणा किया गया, भाग किया गया, ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, क्योंकि अगर ये भी बताई जाने लगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा और सिलेबस तो हमें नहीं लगता पूरा होगा कभी। ठीक है, इसलिए चीज़ें छोड़ दी जाती हैं, आप खुद से समझिए इन्हें। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया इस फॉर्मूले की वजह से। अब लेकिन भैया थोड़ा और ध्यान दीजिए कि हमें तो साइन इनवर्स में लाना था, तो कॉस इनवर्स को हम बदलने चल पड़े। भाई कॉस इनवर्स हमें चाहिए का, हमें तो साइन इनवर्स चाहिए, तो कॉस इनवर्स को हमने थीटा मान लिया। अब इसको बदलते 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 हम यहाँ पर उसी थीटा को साइन इनवर्स में हम कन्वर्ट कर पाए और आंसर हमारा आ गया 56/65। ठीक है, कैसे बदला है आपके सामने है, वैसे तो थोड़े बहुत स्टेप हम समझा दे रहे हैं, बाकी तो आप समझदार ही हैं। तो हमने कॉस इनवर्स दिस को हमने मान लिया थीटा, तो इसका मतलब है कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस। अब चूंकि हमें कॉस थीटा मिल गया तो हम साइन थीटा से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इसे हमने अंदर में सॉल्व कर लिया तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 56/65। तो थीटा की साइन इनवर्स 56/65 वैल्यू आ गई। अब ये वाला जो थीटा था हमने इसे माना था, इसका मतलब ये हुआ कि इसी थीटा के बराबर अगर कोई और वैल्यू आ जाए तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। तो इस थीटा के बराबर कौन सी वैल्यू आ गई, साइन इनवर्स 56/65 आ गई, मतलब कि ये और ये कोई और नहीं बल्कि एक ही चीज़ है। तो कॉस इनवर्स 33/65 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। ओके, तो आप बात समझ गए। तो इस प्रकार हम यहाँ तक पहुँच गए थे इसे सॉल्व करते करते, लेकिन यहाँ पर आकर रुक गए थे क्योंकि हमें साइन इनवर्स चाहिए था। अब हमने इसे भी बदल कर साइन इनवर्स में चेंज कर दिया और हमने देखा भैया ये तो राइट हैंड साइड ही है, तो इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चले थे और राइट हैंड साइड पर पहुँच गए और इस प्रकार ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन कुछ हमने यहाँ पर की हुई है, अगर आप यहाँ पर ना समझ पाइएगा तो थोड़ी बहुत इधर समझने की कोशिश कर लीजिएगा। हैंड राइटिंग के बारे में फिर से बता देते हैं, हैंड राइटिंग हमारी कुछ खास अच्छी नहीं है, तो जहाँ पर ना समझ पाइएगा नो हेजिटेशन पूछ लीजिएगा। सो गाइस अच्छा सॉरी, आप इसका ज़रा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम इसके आगे बचे हुए क्वेश्चंस पर और चर्चा करेंगे और इसके बाद हम कोशिश करेंगे कुछ और चीज़ें देख लेंगे कि कहीं पर कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। अगर आपको कहीं कुछ दिखाई पड़े तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता ज़रूर दीजिएगा कि ये चीज़ें छूट गई हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मास्क पहनते रहिए और घर पर रहिए ताकि सुरक्षित रहिए। सो गाइज थैंक यू एंड जय हिंद।